दोस्तों क्या आप भी अपनी इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो अपनी फोटो को सेट करना चाहते हो? जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि मेरी ये इंस्टाग्राम की चैट है और मैंने अपनी इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो अपनी फोटो को सेट किया है। तो दोस्तों आप अपनी इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो अपनी फोटो को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम के चैट के बैकग्राउंड में जो है वो अपनी फोटो को लगा सकते हैं, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो अपनी फोटो को कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो अपनी फोटो को सेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपनी फोन की मोबाइल स्क्रीन का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है आपको उसका जो है वो होम स्क्रीन का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे ही आप अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लोगे उसके बाद में दोस्तों सेकंड स्टेप आता है, उसके बाद में आपने जो है वो प्ले स्टोर में चले जाना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाओगे उसके बाद में आपको यहां से जो है वो दोस्तों एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसकी मदद से आप जो है वो इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो किसी भी फोटो को जो है वो लगा सकते हो। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है पिक्सल लैब। दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आपने इस एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और उसके बाद में आपने जाना है अपनी मोबाइल की गैलरी में। जैसे दोस्तों आप अपनी मोबाइल की गैलरी में चले जाओगे उसके बाद में दोस्तों आपने जो है जो भी अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन का जो है वो आपने स्क्रीनशॉट लिया था आपने उस स्क्रीनशॉट को जो है वो ओपन कर लेना था जो आपने मोबाइल की होम स्क्रीन का जो है वो स्क्रीनशॉट लिया था। दोस्तों आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली उसके बाद में आपने स्क्रीनशॉट को ओपन कर लिया उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि आप अपनी मोबाइल की गैलरी में जाओगे उसके बाद में आपको जो है वो शेयर वाला ऑप्शन दिखेगा या दिखेगा सेंड वाला ऑप्शन, तो जो भी आपके मोबाइल में होगा आपने वहां पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपको वहां पर एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी पिक्सल लैब के नाम से जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड की होगी, उसके बाद में दोस्तों आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपने करना क्या है, उसके बाद में आपने यहाँ पर आपको टिक वाला आइकन दिख रहा होगा आपने यहाँ पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो आपकी मोबाइल की होम स्क्रीन होगी वो आपको यहाँ पर फुल जो है वो शो होने लग जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको ऊपर की तरफ दिखेगा प्लस वाला आइकन, तो आपने प्लस वाले आइकन पर जो है वो क्लिक कर देने हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तभी आपको फुल प्रोसेस समझ में आएगा और तभी आप अपनी इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो अपनी फोटो को लगा पाएंगे। आपको यहां पर दिख रहा होगा फ्रॉम गैलरी, तो आपने फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में जो है वो जितनी भी जो है वो फोटोस होगी वो आपको यहाँ पर जो है वो शो होने लग जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप जिस भी फोटो को यहाँ से सेट करना चाहते हो उस फोटो को जो है आप यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ से जो है वो अपनी किसी फोटो को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो कि मैं इसी फोटो को जो है वो अपनी इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो उसके बारे में मैं टिक पर करूँगा क्लिक। टिक पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों मैं अपनी इस फोटो को जो है वो अपनी होम स्क्रीन के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लूँगा। जैसे कि मैंने पुल कर दिया उसके बाद में जहाँ भी मैं इसे सेट करना चाहता हूँ तो मैंने कर दिया। उसके बाद में दोस्तों आपने आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे थ्री डॉट, तो आपने थ्री डॉट पर करना है क्लिक। उसके बाद में आपको दिखेगा एक्सपोर्ट इमेज, तो दोस्तों आपने जो है वो एक्सपोर्ट इमेज वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद में आपको दिखेगा सेव टू गैलरी, तो आपने सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपने करना क्या है, आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है डिजाइनर टूल। तो दोस्तों आपने फिर से प्ले स्टोर पर जाना है और फिर से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है डिजाइनर टूल। तो दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन को जो है वो अपने मोबाइल में जो है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप इसे डाउनलोड कर लोगे उसके बाद में आपने जो है वो इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि आप ऊपर की तरफ को जो है वो आपको ये वाला इंटरफेस दिख रहा होगा। जैसे आप नीचे की तरफ को आओगे तो नीचे की तरफ को आने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मॉकअप ओवरले और एक दिख रहा होगा करंट मॉकअप, तो आपने जो है जो आपको पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन दिख रहा है तो आपने वहां पर करना है क्लिक। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों जो इमेज आपने तैयार की थी वहां पर बनाई थी अपनी जिस फोटो को जो है वो आप इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो तो आपने उस फोटो पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप उस फोटो पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपने ये वाला ऑप्शन ऑन कर देना है मॉकअप ओवरले, आपने ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑन कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो आप अपनी इंस्टाग्राम की चैट में जाओगे, आप देखोगे कि आपकी फोटो जो है वो आपकी इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो लग गई है। जैसे कि मैं आपको जो है वो इंस्टाग्राम में जाकर
पर जो है वो बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम में गया और मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो फोटो जो है वो लग गई है। दोस्तों ऐसे आप भी जो है वो अपनी इंस्टाग्राम की चैट के बैकग्राउंड में जो है वो अपनी फोटो को लगा सकते हो। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आपकी फोटो जो है वो आपके मोबाइल के पूरे ही बैकग्राउंड में जो है वो लग गई है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके पूरे ही फोन के बैकग्राउंड में ये फोटो लगी रहे तब तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरे पूरे मोबाइल के बैकग्राउंड में जो है ये फोटो ना लगे तो आप यहाँ पर डिजाइनर टूल वाले ऑप्शन में आकर जो है इस ऑप्शन को जो है वो ऑफ कर सकते हो। इस ऑप्शन को ऑफ करते ही आपके मोबाइल के जो है वो बैकग्राउंड से जो है वो आपकी फोटो हट जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।